नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने 8 जून तक सख्त लॉकडाउन लगा रखा है। सुबह 11 बजे तक किराना, दूध व फल सब्जियों की दुकानों को छूट दी गई है। इसके बावजूद लोग बिना कारण सड़कों पर घूम रहे हैं, नाकाबंदी पर पुलिस के रोकने पर बहाने बना रहे हैं, कोई टीका लगवाने तो कोई अस्पताल में बीमार को देखने जाने का बहाना बना रहा है। पॉइंट पर पुलिस कर्मियों के आगे जाने के लिए कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई फोन पर बात करवा रहा है। जयपुर पुलिस ने सख्त लॉकडाउन की पालना कराने के लिए 378 पॉइंट पर नाकाबंदी कर रखी है। बिना वजह बाहर निकलने वाले लोगों के चलान किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जयपुर में पुलिस ने 3825 कार्रवाई की है, जिनसे 5,28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अलवर में रविवार शाम अचानक मौसम पलटा, घने बादल छाए और अंधड़ के साथ बारिश से अलवर शहर सहित बाहरी क्षेत्रों में भी कई जगह पेड़ गिर गए। कुछ जगह पर बिजली की लाइनें भी टूटी हैं, इसी कारण काफी जगह पर बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। अलवर जिले में शाम करीब 5 बजे बाद मौसम अचानक बदल गया। घने बादल छाने के बाद पहले बूंदाबांदी हुई, इसके बाद अंधड़ के साथ कई जगह पर अच्छी बारिश होने लगी। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के इस दौर में राधा स्वामी सत्संग संस्थान की ओर से लगातार कोविड मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ को भोजन का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान रविवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला परिषद सीईओ ज्ञानमल खटीक ने भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। शहर के बोजुंदा स्थित राधा स्वामी सत्संग संस्थान जिला चिकित्सालय कोविड केयर सेंटर में मरीजों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए रोज भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्थान द्वारा रोज सुबह शाम 600 खाने के प्लेट भेजी जा रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा भोजन के पैकेट भेजे जा चुके हैं। झुंझुनू में कोरोना वैक्सीन सेंटरों पर टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि भीड़ को काबू करने के लिए अब चिकित्सा कर्मियों को पुलिस को बुलवाना पड़ रहा है। वैक्सीन सेंटरों पर अव्यवस्थाओं का आलम रहने के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। जिले के गुड़ा गोड़जी के राजकीय अस्पताल में रविवार को वैक्सीन के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखकर चिकित्सा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने वे व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस को अस्पताल में बुलवाना पड़ा। राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस के 2,298 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से रविवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,298 नए मामले सामने आए। इस दौरान राज्य की राजधानी जयपुर में 601, अलवर में 203, जोधपुर में 164, गंगानगर में 148, उदयपुर में 107, सीकर में 105, हनुमानगढ़ में 102, बीकानेर में 85 और झुंझुनू में 84 नए मरीजों का पता चला। विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में 9,636 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब राज्य में 49,224 मरीज उपचाराधीन हैं। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को लेटर भेजा। इसमें कहा गया है कि अधिकारी उन होटल्स और अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने बड़े बड़े होटल्स के साथ करार कर लिया है, इसमें वैक्सीनेशन का पैकेज दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर गाइडलाइन का उल्लंघन है। जोधपुर केंद्रीय कारागार से 7 बंदियों को दूसरे जेलों में भेजा गया है, ऐसा सुरक्षा कारणों को लेकर बताया गया है। 4 बंदियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल और 3 बंदियों को कोटा व दौसा जेल में शिफ्ट किया गया है। इनमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गे भी शामिल हैं। बीकानेर जिले में पिछले 3-4 रोज से तेज गर्मी एवं चिलचिलाती धूप परेशानी का सबब बनी है। रविवार शाम को आई आंधी एवं बूंदाबांदी से गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं दोपहर बाद मौसम बदला। बादलों की जमघट के बाद तेज धूल भरी हवा चली, मेघ गर्जना होती रही। आंधी ने बीजान हुई मूंगफली की फसल को भी प्रभावित किया है। इस समय बारानी व सिंचे क्षेत्र में बीजान को लेकर किसान वर्ग बरसात की आस में लगे हैं। नाल में रविवार शाम को आई तेज बरसात से मौसम सुहावना हो गया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की धांधली को लेकर जांच कमेटी ने जिन नर्सिंग कर्मियों के नाम लिए हैं उन्हें रविवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौर से मिलकर मामले की सही तथा निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन नर्सिंग कर्मियों का कहना है ना तो उन्हें नर्सिंग कर्मियों के नामों के बारे में कोई जानकारी है, ना ही उन्होंने यह कार्य किया है। समाचार पत्र के माध्यम से उनका नाम का खुलासा होने पर उन्हें पता चला कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या डबल डिजिट में रही।
रविवार की रिपोर्ट में महज 59 पॉजिटिव केस मिले, जबकि शाम तक यह संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कोरोना के रोगियों में लगातार आ रही कमी के चलते रविवार को भी संक्रमितों की संख्या का ग्राफ नीचे की ओर ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर द्वारा रविवार को सेवा दिवस मनाया गया। इसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शास्त्री नगर स्थित अग्रसेन पार्क में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए तथा पाक विस्थापितों के लिए सूखी खाद्य सामग्री का वितरण किया। अब तक आपने मंदिरों में 56 भोग देखे होंगे। बीकानेर के नापासर में सजा 56 भोग जरा हटकर था, मकसद भी अलग। लॉकडाउन में भूखे पशुओं की परेशानी को देखते हुए 56 भोग का इंतजाम किया गया। यहाँ के युवाओं ने जेब खर्च दिए तो किसी दिव्यांग ने अपनी 2 महीने की पेंशन राशि दे दी। एक एक कर अच्छी खासी राशि इकट्ठी हुई। 56 तरह की सब्जियां और फल थे। शनिवार से रविवार तक यह 56 भोग कस्बे में हर पशु तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री कोरोना संदेश यात्रा को जोधपुर के CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा ने जिला कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CMHO ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना संदेश यात्रा गांव और कस्बों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता संदेश देगी। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन व वीकेंड कर्फ्यू का रविवार को जोधपुर में व्यापक असर नजर आया। यहां हर प्रमुख रोड व चौराहों पर सन्नाटा नजर आया। निर्धारित समय सीमा के बाद सारे बाजार पूरी तरह बंद रहे। जगह जगह नाकों पर पुलिस तैनात रही। बिना वजह निकले वाहन चालकों के चालान बनाए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के रेलवे अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से विशेष ICU वार्ड के अपग्रेडेशन के लिए 11 लाख रुपए की राशि दी, जिसमें रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई 1 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। मंत्री शेखावत ने सोसाइटी को 2 अत्याधुनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए, साथ ही रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में पौधे भी लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।